अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपका भाई बहुत ही खुश है। वो क्यों खुश है वो आपको वीडियो देख के पता चलेगा। दोस्तों वो सामने आप देख रहे हैं बूथ, उस बूथ से हमने पेमेंट की है। तो पेमेंट करके 115 रियाल पेमेंट पहली दफा करके तो हम अंदर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का भी लोग बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज के भी लोग में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी गाड़ी की जो सालाना फहस करवाते हैं, जो इंस्पेक्शन करवाते हैं सऊदी अरेबिया में रह के, वो आप कैसे करवा सकते हैं। तो आज हम इधर हफरुल बातन सिटी में फहस करवाने हैं गाड़ी की। सबसे पहले आप नेट पे अपॉइंटमेंट ले लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। आपके सामने मैंने अभी पेमेंट की है। पहली दफा आएंगे तो 115 रुपए लेंगे। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, क्रोला एक्सेंट है, या ये मेरे वाले हुंडई एक्सेंट है, ठीक है, इस पे 115 रुपए लिए इन्होंने पहली दफा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो दूसरी दफा आपसे 38 रुपए लेंगे। अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, तो देखते हैं हमारे साथ अंदर जाके क्या सलूक करते हैं अभी। तो ये देखें, अभी हमने पेमेंट कर दी है तो अभी रसीद मिल गई है। तो इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं, अभी लाइन में लगे हैं। हमारे आगे तकरीबन 2-3 गाड़ियां हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। इस तरह की मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। कैसे इंस्पेक्शन करते हैं वो चेक करते हैं। सऊदी भी हैं, पाकिस्तानी भी इधर इम्प्लॉई हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग होते हैं। अल्लाह करे जो अच्छे बंदे के हाथ हम लग जाएं तो हमारी गाड़ी को पास कर दे। तो लेट्स सी, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए इंशाल्लाह। तो चलें हम अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, चलें जी। A few moments later. तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं पहले। आज का रमजान शरीफ चल रहा है तो मैंने भी मौके से फायदा उठाया, मैंने कहा आज ही क्लियर करवाते हैं इसको। तो आज रश नहीं था, नहीं तो इधर बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ये देखें 2-3 लाइनें इन्होंने बनाई हुई हैं, बहुत बड़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं। दोस्तों देखा जाए तो बहुत अच्छा कानून है कि साल बाद अपनी गाड़ी आपने क्लियर करवानी है। तो अभी तो इस पे जुर्माने भी इन्होंने स्टार्ट कर देने हैं। बहुत जल्दी जो है फहस अगर आप एक साल बाद नहीं करवाएंगे तो ऑनलाइन ही आपको जो है ग्रामा और फाइन आपको मैसेज आ जाएगा। इस पे अभी फाइन का काम चल रहा है, इन्होंने फाइन कर देने हैं। अभी पहले इंश्योरेंस नहीं करवाते थे तो आपको फाइन नहीं आता था, लेकिन अब आपको एक साल बाद अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते गाड़ी की तो आपको उसी टाइम जो है ना मैसेज आ जाएगा, आपका जो है उन्होंने फाइन कर देना आपको। तो हम तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में भी ऐसे कानून आएंगे। पाकिस्तान में गाड़ी कोई और होती है, उसका इंजन कोई और होता है, उसका बम्पर कोई और होता है। तो पाकिस्तान में कानून जो है, अल्लाह करे कानून पाकिस्तान में इस तरह का ट्रैफिक का कानून आए तो कुछ बेहतरी आए हमारे पाकिस्तान में। तो ये ना हो हमारा टाइम जो है ना खत्म हो जाए। तो हम अंदर चलते हैं जल्दी से, चलो। चले जी दोस्तों, यहाँ पे हमने गाड़ी इनको हैंडओवर कर दी। तो यहाँ ये पेंट, इसके टायर और इसकी सारे इंजन की चेकिंग करेंगे और उसके बाद हमें कुछ देंगे गाड़ी वापस। अंदर मोबाइल चलाने की थोड़ी सी पाबंदी थी तो वो मना कर रहे थे, इसलिए हमने ज्यादा वीडियो उधर नहीं बनाई। तो बाहर आके अब आपको बता रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली दफा में जो है ना फहस क्लियर कर ली गाड़ी की। ये देखें ब्लू कलर की स्टैंप लगा दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम एक साल के लिए हमारी गाड़ी को कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी हम जहां में सऊदीया पूरे में जहां मर्जी ले जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको तरीका इंशाल्लाह जल्दी बता दूंगा। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे फहस करवाने का तरीका का, अगर आप लिखेंगे मोटर व्हीकल पीरियोडिक इंस्पेक्शन, ठीक है, या आप फहस ही सिर्फ लिखेंगे फहस के ऐसे, तो वहां पे वेबसाइट आ जाएगी। अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे आ जाए, इंशाल्लाह ताला आपकी गाड़ी को जल्दी फहस कर दिया जाएगा। तो आपको हम दिखाते हैं, ये देखें, अभी ये पिछले साल का स्टीकर था, ये वाला पिछले साल का स्टिकर था, और ये अभी जो इन्होंने न्यू लगाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा।